नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने की योजना बिहार सरकार ने शुरू कर दी है, क्योंकि अब तक बिहार से निकले कई खिलाड़ियों ने देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम तो दर्ज किया है, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं है कि उनकी इस पूरी यात्रा में बिहार का कोई खास योगदान रहा है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होने के कारण बिहार से निकले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए दूसरे राज्यों पर आश्रित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रक्रिया में एक खिलाड़ी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना परिवार और सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन अब बिहार में खेल जगत को विस्तार मिलने वाला है, जिसके तहत अब राजधानी पटना के मोइनुल्लक स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी हो रही है। राजधानी पटना के मोइनुल्लक स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास शानदार स्टेडियम बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है, जिसके तहत ही अब इस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम के रूप में विकसित करने की तैयारी हो रही है, जहां पर लगभग 10 खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के समक्ष एक अणे मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाल ही में कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने मोइनुल्लक स्टेडियम के रेनोवेट से संबंधित प्रोजेक्ट को पेश किया था, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल से दी थी, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि मोइनुल्लक स्टेडियम को नवनिर्माण के संबंध में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के साथ बैठक की। इससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में आसानी होगी। ये तो हो गई स्टेडियम के निर्माण की बात, अब आइए आपको बताते हैं कि आने वाले समय में इस स्टेडियम में क्या क्या नया देखने को मिलने वाला है। करीब करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेट किए जाने वाले इस स्टेडियम में आपको शानदार 5-स्टार होटल भी स्टेडियम परिसर में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही वर्ल्ड क्लास मोइनुल्लक स्टेडियम में पार्किंग की भी व्यवस्था स्टेडियम परिसर में ही होगी। इसके अलावा स्टेडियम की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा। वहीं स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, एथलेटिक का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में राज्य सरकार खिलाड़ियों को मेडल जीतने लायक बनाने की प्रक्रिया में जुट गई है। ऐसे में बिहार सरकार जल्द ही नई योजना के साथ काम करने वाली है, जिसके तहत ही अब बिहार में जिलों के हिसाब से प्रमुख खेलों का चयन किया जाना है। यानी कि अगर कोई जिला किसी खेल में बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है तो वहां उससे जुड़ी आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, जिसकी जानकारी कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने दी है। इस बाबत प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित समारोह में मंत्री ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि खेल ही आधुनिक शिक्षा के लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अब बाहर नहीं जाना होगा। बिहार देश का 6ठा ऐसा राज्य है जहां खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसके अलावा राजगीर में 740 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल अकेडमी भी बनाई जा रही है, जिसमें पटना के मोइनुल्लक स्टेडियम को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी बिहार में खेल को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि खेल एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें एक व्यक्ति के जीतने पर पूरा देश खुद को जीता हुआ मानता है। खेल उपकरणों के लिए विधायकों को भी अपनी निधि से अनुशंसा करनी चाहिए। आपके अनुसार बिहार में खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।